अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़ स्टूडियो और हॉट न्यूज़ स्टूडियो की जानिब से एक अहम खबर हम आप तक लेकर आ रहे हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आज 16 नवंबर को एनसीओसी का इजलास था। उस इजलास में स्कूल और तालीमी इदारे बंद होने के और कोरोना के मुतालिक एसओपीज के मुतालिक बहुत सारे फैसले होने वाले थे। आज उस इजलास में क्या हुआ वो हम आपको एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब मुराद राज की ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसपे लिखा है, अनाउंसमेंट, नो डिसीजन मेड ऑन क्लोजर ऑफ स्कूल्स इन पंजाब टुडे, नेक्स्ट मीटिंग विल बी ऑन मंडे 23rd November 2020 फॉर फर्दर रिव्यू ऑफ द COVID-19 सिचुएशन, ऑल ऑप्शंस आर बीइंग डिस्कस्ड, नो इमीडिएट डिसीजन फॉर नाउ। आज कोई भी फैसला नहीं लिया गया, ना कि पंजाब के हवाले से बल्कि किसी भी सूबे के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया स्कूलों के बारे में, अभी तक कुछ भी नहीं लिया गया। अब अगली मीटिंग एनसीओसी का अगला इजलास 23 नवंबर 2020 यानी पीर के दिन है। एजुकेशन के बारे में और स्कूलों के बंद और खुलने के बारे में और न्यूज जानने के लिए और एनसीओसी का अगले इजलास की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी तरह और भी बच्चे परेशान होंगे, शायद ही वीडियो ने मुतमईन करें।